क्या आपके किचन में भी वाइट किचन कैबिनेट है और वो भी एग्जैक्ट मेरे किचन की तरह एग्जैक्टली गैस स्टोव के ऊपर ही है। तो ये किचन कैबिनेट्स खाना बनाते वक्त काफ़ी ऑयली स्टिकी हो जाते हैं और ये जो ऑयली स्टेन होते हैं उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे ही सफ़ेद किचन कैबिनेट जो काफ़ी ऑयली चिपचिपे होते हैं, इसे क्लीन करने का एक आसान सा तरीका जो मैं कई सालों से यूज़ करते आई हूँ और इसके लिए हमें किसी भी केमिकल की वगैरह ज़रूरत नहीं है। एक होममेड सॉल्यूशन से कई सालों से मैं इन किचन कैबिनेट्स को क्लीन करते आई हूँ। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले गर्म पानी। ये पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप इजीली इसमें हाथ डाल सकें। तो यहाँ पे पूरा एक कप मैंने गर्म पानी ले लिया है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा या फिर मीठा सोडा भी कहते हैं, जो पकौड़ाज वगैरह में डाला जाता है पकौड़ा फूलने के लिए। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच ही लिक्विड डिश वॉश। आपके पास जिस भी ब्रांड का लिक्विड डिश वॉश हो आप इसमें ऐड करें। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसमें ऐड करने वाले हैं विनेगर। तो दो बड़े चम्मच वाइट विनेगर हम इसमें ऐड करेंगे, जो कई सारे चाइनीज़ रेसिपीज़ में भी यूज़ किया जाता है। विनेगर बेकिंग सोडा क्लीनिंग प्रोसेस को बहुत ही आसान कर देते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप जिस भी चिपचिपे ऑयली स्टेन पे लगाओगे तो उसे क्लीन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से मिलाएंगे। आप चाहे तो इस सॉल्यूशन को किसी स्प्रे बॉटल में भरकर भी यूज कर सकते हो। तो इसे अप्लाई करने के लिए आप ले कोई भी सॉफ्ट स्क्रबर या फिर पुराना टूथब्रश। यहाँ पे हमें मेटल का स्क्रबर नहीं यूज करना है क्योंकि इससे आपके कैबिनेट पे स्क्रैचेस आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं एक स्पॉन्ज का सॉफ्ट स्क्रबर यूज कर रही हूँ। सबसे पहले इस स्क्रबर की हेल्प से इस सॉल्यूशन को जहाँ पे चिपचिपे ऑयली स्टेन है उसे मैं अच्छी तरीके से अप्लाई कर दूंगी। तो सभी कैबिनेट्स पे इसे अप्लाई करके 5 मिनट के लिए आपको इसे ऐसे ही रखना है। अभी से हम स्क्रब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन को लगा के हम 5 मिनट इसे ऐसे ही रख देंगे। और 5 मिनट के बाद इसी सॉफ्ट स्क्रबर की हेल्प से आप इस स्टेन्स के ऊपर हल्का सा रगड़ देंगे तो आप देखेंगे मुझे बिल्कुल भी यहाँ घंटों रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हल्का इस स्क्रबर से मैं इसे घिस रही हूँ तो ये जो जितने भी ऑयली स्टेन्स थे ये बहुत ही जल्दी निकल रहे हैं। इन स्टेन्स को निकालने के लिए यहाँ पे मैं मेटल के स्क्रबर का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिंपली इस स्क्रबर की हेल्प से ही ये ऑयली स्टेन बहुत ही इजीली रिमूव हो रहे हैं। सभी कैबिनेट अच्छी तरीके से रब करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, जिसे मैंने हल्का गीला कर लिया है। और इसी गीले कपड़े से जहाँ पर भी हमने इस सॉल्यूशन को लगाया था इसे हम अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। इस गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ड्राई करने के बाद सिंपल ड्राई नैपकिन से इसे मैं एक बार अच्छी तरीके से ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये लकड़ी है इसमें बिल्कुल भी पानी रहना नहीं चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो सकती है। इसीलिए सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक बार ड्राई कपड़े से इसे ज़रूर ड्राई कर लें। तो ये देखिए, इस होममेड सॉल्यूशन से कुछ ही मिनट में बिना घंटों रगड़े हमने इस वाइट कैबिनेट को कितनी अच्छी तरीके से चमका दिया है, ये बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। तो आप भी बिल्कुल इसी होममेड सॉल्यूशन से आपके किचन कैबिनेट कितने भी ऑयली चिपचिपे हो गए हो उसे क्लीन कर सकते हो। आई होप कि ये आज का वीडियो आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहा होगा और मेरी ये मेहनत आप तक पहुँची होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करना ना भूलिए।